नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सकाई अलर्ट में। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक नई वैकेंसीज अपडेट लेके आए हैं जो दोस्तों इधर निकल के आई है आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको 3500 पोस्ट मिलेंगे और जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और यहाँ इलेक्शन के पोस्ट हैं। तो और दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 12th पास है तो भी आपके लिए पोस्ट है बहुत सारे, और अगर आपने यानी डिग्री किया यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो भी आपके लिए पोस्ट है, और यदि आपने इलेक्शन में डिप्लोमा किया है तो भी आपके लिए बहुत सारे बम्पर पोस्ट हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन जान लेते हैं इसके और भी वैकेंसीज के बारे में। एक और बात दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सरकारी अलर्ट को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं दोस्तों ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूं। तो ठीक है दोस्तों, मेरे सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑफिशियली नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं अपने पोस्ट के बारे में। तो यहाँ दोस्तों आपको पहला पोस्ट यहाँ दिख रहा है जो कि है स्टेनोग्राफर की ओर से, और यहाँ दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ आपको 412 वैकेंसीज हैं टोटल। और यहीं दोस्तों अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने अगर ग्रेजुएट हैं या आपने डिप्लोमा किया हुआ है स्टेनोग्राफी में और आपके पास CCC सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और यहीं दोस्तों एज ग्रुप की बात करें तो अगर आपका 18 से 40 साल के बीच में है तो आप पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और यहीं दोस्तों आपको ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ 2800 ग्रेड पे आपको मिला करेगा। और यही दोस्तों दूसरे नंबर पोस्ट है हमारा जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट है, यहाँ है जूनियर असिस्टेंट के लिए। और इसके लिए दोस्तों अगर आपने इंटरमीडिएट हैं और आपको टाइपिंग का नॉलेज है जो कि आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यहीं आपको ग्रेड पे की बात करें तो इसमें दो ग्रेड पे आते हैं दोस्तों जो कि 2000 और 1900 है। और इसके लिए दोस्तों वैकेंसी आपको सबसे ज़्यादा 1484 वैकेंसी है जो कि इधर यहाँ अप्रॉक्स दिखा रहा है, यानी कि ये बढ़ और घट भी सकता है, यानी कि और भी ज़्यादा वैकेंसी आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ ड्राइवर के लिए भी पोस्ट है जो कि हाई स्कूल यानी कि 12th पास किया है और उसको 3 साल का एक्सपीरियंस हो हैवी ड्राइविंग का, उसके लिए दोस्तों यहाँ 40 पोस्ट है, यहीं ग्रेड पी 1900 है, एज लिमिट सेम रहेगा जो कि 18 लेकर 40 साल एज तक। और दोस्तों यहाँ हमारा तो चौथा नंबर का पोस्ट है जो कि यहाँ ग्रुप डी पोस्ट में आता है, यहाँ टू वेलकम इलेक्शन यानी कि जिसने डिप्लोमा किया है इलेक्शन में वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और यहीं दोस्तों यहाँ और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जैसे कि प्यून, चौकीदार, यहीं स्वीपर के लिए यहाँ 6ठी क्लास पास मांगा है, और यहीं प्यून के लिए आपको लगभग 10th पास मांगा है। और यहीं दोस्तों ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ 1800 आपको ग्रेड पे मिल जाए करेगा। तो दोस्तों आप इसको अप्लाई कहाँ से करें, तो दोस्तों इसका अप्लाई अभी शुरू नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो भी दोस्तों यहाँ ऑफिशियली जो साइट है यहाँ पे आप जाके इसका जो डेट दिया हुआ है यहाँ 6/12 और 26/12 के बीच में आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं दोस्तों आप पोस्ट की बात करें तो पोस्ट का कितना पेमेंट फीस लगेगा, तो यहीं दोस्तों अगर आप पोस्ट नंबर 1 और 2 की बात करते हैं तो आपका इधर 500 रुपये लगेगा, यानी कि अगर आप इसके लिए भरते हैं यानी कि स्टेनोग्राफर और यह क्लर्क कैटेगरी जूनियर असिस्टेंट की, इसके लिए आपको दोस्तों 500 रुपये लगेगा। और यहीं आप अगर पोस्ट नंबर भरते हैं 3 और 4 के लिए तो आपको 400 रुपये प्लस दोस्तों यहाँ बैंक चार्ज लगेगा, और यहीं SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ 300 रुपये देने होंगे प्लस यहाँ बैंक चार्ज भी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कि UP का एक हाई कोर्ट है, तो इसको आप जरूर से ज़रूर भरें, एकमात्र हाई कोर्ट है दोस्तों जो कि इलाहाबाद में स्थित है। यदि आपको इसका प्रॉब्लम कोई है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू।